मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि उज्जैन ने हाथ लगाया वो मर गया, संदूक छीना गया और एलिया महायाजक मर गया, उसकी जो बहू थी वो मर गई, उसके दोनों बेटे मर गए, इसराइली लोग जो थे वो हार गए, फिर जिन्होंने संदूक छीना वो क्यों नहीं मरे? यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के दूसरे खंड में है सात कलीसियाओं के नाम पत्र। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य एक अध्याय और उसके 10 पद के विषय में, और जहां पर इस प्रकार से लिखा है हम इस पद को पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 1:10, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना है। देखिए, हम प्रभु के दिन की बात कर रहे हैं, और जैसा आपको पता है कि प्रभु के दिन के बारे में हमने 7 भाग जो हैं वो बना रखे हैं। एक बार फिर से उन 7 भागों को पढ़ देना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, पहला भाग प्रभु का दिन कौन सा है, दूसरा क्या व्यवस्था खत्म हो गई, तीसरा व्यवस्था कितनी है, चौथा परमेश्वर की व्यवस्था कौन सी है, पांचवा 10 आज्ञाओं की विशेषता, छठा 2 आज्ञाएं परमेश्वर की व्यवस्था का आधार, और 7वा 4थी आज्ञा की विशेषता। ये प्रभु के दिन के बारे में 7 जो भाग बना है ये है, जिसमें से हम 4 भागों का वर्णन कर चुके हैं, 4 संदेश जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। प्रभु का दिन कौन सा है, क्या व्यवस्था खत्म हो गई, व्यवस्था कितनी है, परमेश्वर की व्यवस्था कौन सी है। आज हम बात करेंगे 10 आज्ञाओं की विशेषता। अब 10 आज्ञाओं की जो विशेषता है उसके बारे में वर्णन करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि 10 आज्ञाओं की विशेषता क्या है। जी हाँ, पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसे जो है, पहली जो विशेषता है इसकी, जो महत्व है 10 आज्ञाओं का, यह है कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को अपनी उंगली से लिख कर दिया। देखिए, पूरे भाग जो है, जब आप बाइबल का वर्णन करेंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, और जिन लोगों ने बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यही एक ऐसा भाग है जिसे परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दिया। और जब हम बाइबल की बात करते हैं, जैसे हमने अपने पहले संदेश में शुरू में हमने बात करी थी कि परमेश्वर का वचन जो है लगभग 40 लोगों ने मिलकर लिखा है, लिखा तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, परंतु पवित्र आत्मा ने 40 व्यक्तियों का जो है यूज किया है परमेश्वर के वचन को लिखने में। और ये 40 जो थे अलग अलग भाषा के, अलग अलग सोच के, अलग अलग विचारों के लोग जो थे जिनको पवित्र आत्मा ने यूज करा है। परंतु यहां पर जो है, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखाया गया है, और ना ये वेल्डिंग करके पत्थर पे गोता गया, जैसे आजकल पत्थर पे गोत कर जो है दरवाजे के बाहर लगा देते हैं, पत्थर पे लिखा हुआ, ये वैसा नहीं लिखा, परमेश्वर ने स्वयं इसे जो है अपनी उंगली से लिखा गया। मगर ये महत्व बात, इसमें एक महत्व बात और भी है कि परमेश्वर ने इसे एक बार नहीं, 2 बार लिखा है। ये ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने इन 10 आज्ञाओं को एक बार नहीं, 2 बार अपनी उंगली से लिखा है। देखिए कैसे, पहले हम पहले पढ़ेंगे कि पहली बार जो है परमेश्वर ने कैसे लिखा है। निर्गमन 24:12 पद है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। यहां पर है निर्गमन 31:18 पद, जरा ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर ने मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों पट्टियां दी। ठीक है, अब हम व्यवस्था विवरण 9:10 में भी पढ़ लेते हैं, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया, और वही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के माध्यम से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। अब देखिए यहां पर क्या है, पहली बार जो है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पत्थर की दोनों पट्टियां क्या है, पत्थर की दोनों पट्टियों पर परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दिया। स्पष्ट शब्दों में यहां पर परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बता रहा है
कि परमेश्वर ने यानी यहां पर महत्व बताया जा रहा है कि दस आज्ञाओं का महत्व क्या है। दस आज्ञाओं का महत्व इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उंगली से स्वयं परमेश्वर ने लिख कर दिए हैं उसको, और एक बार नहीं दो बार दिए, ये तो पहली बार हो गया। अब दूसरी बार जो है पत्थर की पट्टियां परमेश्वर ने फिर से लिख के दी। दूसरी बार क्यों लिख के दी है इसका भी बड़ा वर्णन है इसके अंदर। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इस जब परमेश्वर ने पहली बार पट्टियां दी तो वहां लिखा ना, जैसे अभी हमने पढ़ा कि आगे हम देखेंगे कि मूसा जो है 40 दिन 40 रात तक पर्वत पे रहा। अब 40 दिन 40 रात तक पर्वत पे रहा और उसे आने में देर होने लगी, तो लोग ये कहने लगे जो इजरायली थे कि पता नहीं क्या हुआ, कहां गया मूसा, किस तरीके से वो है भी या नहीं है। तब उसने क्या करा, तब लोगों ने क्या करा, जो मिस्र से के लोगों से जो औरतें थी वहां के लोगों से, उन्होंने जो सोने के गहने मांगे थे कि हमें सोने के गहने दे दो, हम अपने परमेश्वर के लिए जो है इसका आराधना में यूज करेंगे, वो उनको परमेश्वर ने इस तरीके से लुटवाया था। और वो सोने के जो गहने लेकर आए थे सोने चांदी के, वो लाकर उन्होंने क्या करे कि हारून को दे दिया। हारून से कहा कि तू हमारे लिए एक देवता बना। उन्होंने वो बछड़े का देवता बछड़ा बनाया सोने का, और उसके आगे वो नाचने और कूदने लगे, और वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। और परमेश्वर ने कहा नीचे जाके देख कि क्या होता है। तब मूसा जब नीचे उतरा तो उसने वो दोनों पत्थर की पट्टियां जो थी वो पर्वत पर दे मारी और वो टूट गई, और बछड़े को चूर चूर कर दिया, और बहुत नाराज हुआ और उसको चकनाचूर जो है वो कर दिया है, तो यहां पर उसके जल के ऊपर डाल दिया है। आप इस बात को जो है आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 32:1-35 तक, और व्यवस्था विवरण 9:13-21 पद तक जो है आप इसका वर्णन जो है कि किस तरीके से वो पत्थर की पट्टियां तोड़ी गई और किस तरीके से उन्होंने बछड़ा बनाया और कैसे वो बछड़े को परमेश्वर के द्वारा जो है मूसा के द्वारा जो है वो नाश किया गया है। अब यहां पर जब आप पढ़ेंगे निर्गमन 34:1-4 तक और उसका 28 पद, और व्यवस्था विवरण 10 उसका 1-5 तक, व्यवस्था विवरण 10 1-5 तक जब आप पढ़ेंगे, तब आप इन दोनों पदों में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहां पर क्या लिखा है कि आप इन दोनों जगहों में जब पढ़ेंगे तब आप खुद समझेंगे कि परमेश्वर ने दो बार पत्थर की पट्टियों पर अपने 10 आज्ञाएं अपने ही हाथों से मूसा को लिख कर दी है, अपने हाथों से लिख कर दी दोबारा। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर का चाहता कि मूसा से कहता कि ले तू खोद इसे, खोद के बना, तो मूसा से अगर वो खुदवाता तो मूसा खोद के बना देता, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उससे खुदवाता। मगर नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं मैं ही खोदूंगा, दूसरी बार भी मैं ही खोद के दूंगा, दूसरी बार ही मैं खोदूंगा। देखिए महत्व, देखिए क्या है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, दो बार दो है, 10 आज्ञाओं का लिखने का समय आप देखिए, अब दोनों बार लिखने का समय देखिए। यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि मैं पत्थर की पट्टियां तुझे दूंगा, मगर दूसरी बार भी परमेश्वर ने जब उसे बुलाया कि यहां तू पर्वत पे आ जा और पहले के समान दो पट्टियों पत्थर की दोनों पट्टियों को गढ़ ले, और मैं तुझे वही वचन जो है जो पहली पट्टियों पर लिखे गए थे मैं उस पर खोद कर दूंगा। मगर दोनों समय में समय कितना लगा, जब पहली बार जब आप पढ़े निर्गमन 24 अध्याय उसका 12 और 18 जब आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 9 और उसका 11 पर जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि 40 दिन और 40 रात जो है मूसा परमेश्वर के पास रहा, यानी पर्वत पर उसे 40 दिन 40 रात रहे और बादल उसे घेरा रहा, और वो पत्थर की जो पट्टियां थी जो परमेश्वर पहली बार लिख रहा था 40 दिन और 40 रात। एक समय जो था, एक लंबा समय जो था, क्यों लग रहा था? क्योंकि ये नहीं है परमेश्वर चाहता तो 2 मिनट में लिख के उसे दे देता, परंतु परमेश्वर उसे एक एक वचन के बारे में समझा रहा था, एक एक पद के बारे में उसे समझा रहा था, उसकी डिटेल बता रहा था, इसलिए इतना समय लगा। एक डिटेल बताने में आप समझिए 40 दिन का समय लगा है, और मैं आपको कितने समय में बता रहा हूं, 15-20 मिनट में बता दे रहा हूं है? और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो होते हैं पढ़ते हैं और तुरंत बस ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ये 15-20 मिनट में क्यों बताया जा रहा, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं, परमेश्वर हमें बता चुका है, परमेश्वर हमारे ऊपर ये सारी बातें उतार चुका है, इसलिए हम जानते हैं इन बातों को, इसलिए आप भी इन बातों को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन उतारता है, अपना वचन जो है वो देता है हमें, अपनी समझ जो है वो देता है। और दूसरी बार भी
देखिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप रेफरेंस देकर जो है पढ़ सकते हैं। निर्गमन 34 का अध्याय जब 34 का 28 पद जब आप पढ़ेंगे और व्यवस्था विवरण 10 का 10 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा 40 दिन और 40 रात मूसा को लगे। देखिए दोनों बार का समय, दो बार परमेश्वर ने वाचा की पट्टियों पर यानी पत्थर की पट्टियों पर दोनों बार परमेश्वर ने स्वयं खुद लिखा और दोनों बार समय कितना लग रहा है 40 दिन और 40। और दोनों बार जो है इतना समय लगा और दोनों बार एक बात रही कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात तक कुछ ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया लिखा है। 40 दिन तक वही स्थिति है, वही चीज है। किस चीज के बारे में? परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में, परमेश्वर की पत्थर की 2 पट्टियों के बारे में, परमेश्वर की साक्षी की पट्टियों के बारे में जिसको परमेश्वर लिखकर मूसा को दे रहा है। और दोनों बार देखिए 40 दिन का समय क्या है भाई, एक बार उसने समझा दिया ठीक है, तो दूसरी बार तो भाई वो तो समझा चुका है ना, तो दूसरी बार फिर बताने की क्या जरूरत है। मगर परमेश्वर फिर से वहीं से शुरू करता है, पहली आज्ञा से शुरू करता, जब लिखना शुरू करता वही डिटेल फिर परमेश्वर बताता है। क्यों क्यों आखिर ऐसा क्यों करा परमेश्वर ने भाई? पहले वो डिटेल बता चुका था 40 दिन में, फिर उसको 40 दिन का समय लगने की आवश्यकता नहीं थी, परमेश्वर देता और लिख के दे देता। आवश्यकता थी। आप ध्यान रखिएगा, कभी कदार इंसान क्रोध में और गुस्से में बहुत सी बातें दिमाग से निकल जाती हैं, बहुत कुछ निकल जाता है, ये समझने की बात है। क्योंकि जब मूसा नीचे आया ना तो बहुत क्रोधित था और इतना गुस्से में भर गया था कि उसने दोनों ये भी नहीं देखा कि परमेश्वर के हाथों की लिखी हुई पट्टियां हैं, परमेश्वर ने उसे लिखी हुई पट्टियां दी है, मगर वो उस सोने के बछड़े को देखकर वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने वो पत्थर की पट्टियां पर्वत पर ही दे मारी और तोड़ दी, इतना क्रोधित। तो परमेश्वर देखिए, परमेश्वर एक एक बात को ध्यान में रखता है, एक एक चीज को ध्यान में रखता है। वो जानता है कि मूसा इतना क्रोधित हो चुका था, हो सकता है जो बातें मैंने उसे बताई हो बहुत सी बातें उस क्रोध के कारण दिमाग से निकल गई, और इसलिए परमेश्वर वहीं से स्टार्ट करता है ताकि अब परमेश्वर वो जो है मूसा क्रोध में ना रहे। जब वो उन पे भड़क चुका, जब वो उनको दंडित कर चुका, तब मूसा का क्रोध जो था परमेश्वर पर, मूसा का क्रोध भी शांत हुआ और मूसा ने परमेश्वर का क्रोध भी शांत जो है वो कराया। इसलिए परमेश्वर ने फिर से वहीं से शुरू करा है। ये बहुत समझने की बात है, लोग जो होते हैं समझ नहीं पाते इन बातों को या समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए पता क्यों नहीं समझ पाते, जब हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, जब हम अपने आप को ज्यादा पवित्र समझने लगते हैं, जब हम ज्यादा अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो 3:10 से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, एक भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं है, कोई भी उसका खोजने वाला, जब वो कहता कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी समझदार नहीं है, तो इसका मतलब फिर हम समझदार बनने की, अपने आप को पवित्र बनने की जरूरत क्या है? जब परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है, परमेश्वर जब हमें सामर्थी बनाता है ना, तो हमें यह बताने की जरूरत नहीं होती कि हम सामर्थी हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, बल्कि वो निकल के खुद लोगों को दिखाई देती है। पतरस और यूहन्ना और जो चेले थे और पौलुस थे, उन्होंने जो परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर थी उसका ढिंढोरा नहीं पीटा था। हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं अपनी पवित्रता का, अपनी धार्मिकता का, अपनी सामर्थ का, अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का, और यही कारण होता है कि हम परमेश्वर के वचन को, छोटी सी छोटी बातों को मिस कर जाते हैं, वो छोटी बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत अहम होती हैं मिस कर जाते हैं। ये नहीं सोचता है, जैसे मैं यहां पर मैंने बताया कि परमेश्वर ने दोबारा क्यों उसको फिर से वही 40 दिन 40 रात क्यों लगे, लगने का कारण क्या था? आप समझ रहे हैं ना, मुझे पता है कि आप समझ रहे हैं इस बात को अच्छे से मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए इस बात को अच्छे से समझे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और ये जो 10 आज्ञाओं यानी पत्थर की जो पट्टियां हैं इनका क्या मतलब महत्व है यहाँ पर है। यहाँ पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ना, वाचा के संदूक के द्वारा जो है बहुत सी घटनाएं जो हैं वो घटित हुई हैं, बहुत सी घटनाएं वाचा के संदूक को लेकर। मैं सभी घटनाओं का वर्णन नहीं करूंगा, अगर सभी घटनाओं का वर्णन करने बैठ गया तो फिर घटनाओं का ही वर्णन करता रह जाऊंगा वाचा के संदूक को लेकर, परंतु कुछ घटनाओं का यहां पर मैं वर्णन करना चाहूंगा। जब आप यहोशू 1:3-18 पद तक पढ़ेंगे और यहोशू 4:7 पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इज़राइली लोग
को यर्दन पार करनी थी। यहोशू, देखिए मूसा की जगह यहोशू जो था अगुआ हो गया है, मतलब अगुआ वैसा अगुआ नहीं, मैं प्रभु का दास हो गया, मूसा की जगह जो है मूसा के स्थान पर उसे जो है उनकी अगुवाई दी गई है, इसराइलियों की अगुवाई दी गई है। अब वो इसराइलियों को लेकर जा रहा है, तो अब उसे यर्दन नदी पार करनी है। यर्दन नदी जो है बहुत फ्लो में चलती थी, पूरी भरी हुई चलती थी यर्दन नदी उस समय जो थी। अब यहां पर जो है आज की स्थिति तो मुझे नहीं पता, मगर उस समय बहुत फ्लो में थी। जब यहोशू ने क्या करा कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि और समझ दी, उसने वाचा के संदूक उठाने वाले जितने भी लेवी थे जो वाचा के संदूक उठाते थे, और सात जो लेवी थे वो जो थे वो आगे थे, और उनको जो कम से कम 2000 मीटर की दूरी पर इसराइलियों को रखा गया था कि 2000 मीटर की दूरी पे आप उस वाचा के संदूक से दूर रहना। और जैसे ही इसराइलियों के जो टखने जो थे, जैसे ही पानी टखनों तक आया, वैसे ही वो पानी यर्दन नदी का जो पानी था वो दो भाग हो गया, और वो आधा इधर हो गया, आधा जैसे समुंदर हो गया था, और वो सूखी भूमि जो थी वो दिखाई देने लगी, और जितने इजरायली जो थे वो सब जो थे यर्दन नदी को पार करके जो थे वो उस पार पहुंच गए। ये पहली घटना थी, मैं वाचा के संदूक को लेकर बात कर रहा हूं, देखिए कितनी बड़ी घटना थी। दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा, यहोशू 1:1-18 पद तक पढ़ेंगे। आप जानते हैं सब लोग यहरो की दीवार का जो था, यहरो नगर की जो दीवार थी उसका वर्णन करते हैं। मैंने बहुत से सेवकों को संदेश देते सुना, बड़ा अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है जब वो यहरो नगर की दीवार का संदेश देते हैं, और उस दीवार के संदेश को ये जोड़ देते हैं कि परमेश्वर जो है आज आपकी समस्याओं की दीवार को तोड़ने जा रहा है, जैसे यहरो नगर की दीवार को तोड़ा, परमेश्वर आज आपके कर्ज की दीवार को तोड़ने जा रहा है, जैसे यहरो नगर की दीवार को तोड़ा है, परमेश्वर आज आपकी बीमारी की उस मोटी दीवार को तोड़ने जा रहा है, शैतान की उस दीवार को तोड़ने जा रहा है, जैसे यहरो नगर की दीवार को तोड़ा। मुझे बड़ा आनंद आता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। क्यों उस यहरो नगर की दीवार से उसका वर्णन करते हैं, जानते हैं क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि यहरो नगर की दीवार इतनी मोटी थी कि उसको किसी भी औजार से, कितना भी शक्तिशाली औजार क्यों ना हो, किसी भी औजार से तोड़ना असंभव था, उसे तोड़ ही नहीं सकते थे। इसलिए इसराइलियों ने क्या करा, परमेश्वर ने जो उनको यहोशू को जो बुद्धि दी, उसने क्या करा कि पहले दिन तो उन्होंने वाचा के संदूक के साथ एक चक्कर लगाया, परंतु सातवें दिन उन्होंने वाचा के संदूक के साथ जिसमें 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई थी, देखिए मैं 10 आज्ञाओं का महत्व बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, 7 चक्कर लगाए, और जैसे ही 7वां चक्कर पूरा हुआ तुर्री फूकी गई और यहरो नगर की दीवार टूट गई। है वाचा के संदूक को लेकर क्यों चक्कर लगाना था, आप ऐसे भी तो लगा सकते थे, ऐसे भी लगा के तुरी फूक सकते थे, मगर नहीं, वाचा के संदूक, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर उस वाचा के संदूक पर विराजमान होता था, लोगों से मिलता था, और परमेश्वर वहीं से बातें करता था और वहीं से अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता था। यह दूसरी घटना थी। तीसरी घटना के बारे में हम बात करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, आपने देखा होगा कि जब आप 2 Samuel 6:1-12 तक पढ़ेंगे, वहां पर क्या हुआ कि जब वाचा का संदूक जो था तंबू से निकाल कर और दाऊदपुर में लाने के लिए तैयारी कर रहा था, और जब वो तैयार हुए, नई बैलगाड़ी, नए बैल जो थे लगाए गए, उसके पीछे 2 व्यक्ति थे, एक उज्जा नाम का व्यक्ति लेवी था, वो भी था, और यहाँ पर जब ये पहुँचे हैं, जब गतवासी ओबे देनोन के जब खेत की तरफ पहुंचे हैं, तो वहां पर क्या है, उसके बैलों ने क्या करा, ठोकर खाई। उज्जा ने क्या सोचा कि कहीं परमेश्वर का वचन, वाचा का संदूक गिर ना जाए, तो उसने उस पर हाथ लगाया। जब हाथ लगाया तो उज्जा उसी समय मर गया। अब दाऊद जो था इस बात से बहुत नाराज हुआ, इस बात से नाराज हुआ कि वो तो परमेश्वर के वाचा के संदूक को बचाना चाह रहा था और परमेश्वर ने उसे मार दिया। बहुत से लोग भी अभी भी कंफ्यूज हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या थी, वाचा का संदूक कोई मामूली संदूक नहीं था, और वाचा के, आपने देखा होगा कि वाचा का संदूक कहाँ रखा जाता था, महापवित्र स्थान में रखा जाता था, और याजक कितनी बार, याजक नहीं बल्कि महायाजक कितनी बार जाता था
उस महापवित्र स्थान में वर्ष में एक बार, वो भी लहू लेकर जाता था। हर समय जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि परमेश्वर विराजमान था। इन चीजों को समझने की जरूरत है कि साहब उज्जिया को मार दिया, दाऊद भी इस बात से नाराज हो गया, हमारे बहुत से जो सेवक हैं वो भी नहीं समझ पाते, भाई वो मामूली संदूक थोड़ी है, उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान होता। बैलों ने ठोकर खाई, खाने देते, परमेश्वर अपनी वहां पर महिमा प्रकट करने जा रहा था कि बैलों के ठोकर खाने के बावजूद भी संदूक की स्थिति क्या थी। मगर उज्जिया ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को रोका, आश्चर्य कर्म को वहां पर होने से रोका। बहुत सी बातें हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को उसने क्या कह रहे हैं, नकारा कि परमेश्वर उपस्थित है। भाई परमेश्वर क्या कहता, मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। वाचा के संदूक जब होता था तो वहां पर परमेश्वर उनके साथ चलता था। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को नकार दिया, इसलिए उसको दंड मिला, और सही दंड मिला उसको। मगर जब उस व्यक्ति के घर में वो संदूक रखा गया तो 3 महीने तक रहा, और परमेश्वर ने भरपूर तरीके से 3 महीने तक उसको आशीष दी, बहुत आशीष दी। और जब दाऊद ने ये सुना कि परमेश्वर ने उसे आशीषों से भर दिया है उस संदूक के कारण, वाचक के संदूक के कारण जिसमें 10 आज्ञाएं थी, तो भैया वो गया और उसने साहब वो जो है उस संदूक को उठाया और वो नाचता हुआ। देखिए दाऊद, सब लोग कहते हैं ना दाऊद नाचा, दाऊद नाचा। दाऊद अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार नाचा, परमेश्वर के भवन में कहीं नहीं नाचा। इस बात को ध्यान कहे, परमेश्वर दाऊद जो था, जब वाचा का संदूक सड़क से वहां से दाऊदपुर में लाया जा रहा था तो रोड पर उसने नाचा। और जो राजा शाऊल की जो बेटी थी मिकेल, मिकेल नाम था उसका, उसने जब देखा तो उसने दाऊद को तुच्छ जाना और तब से क्या कहा, तू एक राजा होकर इतना इस तरीके से नाच रहा था इस तरीके से, तो बोला मैं परमेश्वर के लिए इससे कैसे भी मतलब तरीके से कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं परमेश्वर के लिए। वो रोड पर नाचा, सड़क पर बेनशा नाचा, वो नाचा भवन के अंदर कभी नहीं नाचा, वो परमेश्वर के चर्च में कभी नहीं नाचा वो। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है और लिखा है मिकल जो थी वो अब मर गई, मगर परमेश्वर ने उसे मां बनने का जो दायित्व नहीं सौंपा, उसे मां नहीं बनने दिया। वो अपनी जिंदगी भर तक जो थी वो मां जो थी वो नहीं बन पाई, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। ये चौथी घटना जो आपने देखी है किस तरीके से परमेश्वर ने पूरी करी है, ये पहला शमूएल 6:1-12 में, और सॉरी दूसरा शमूएल 6:1-12 में, और दूसरा शमूएल 6:13-23 तक में था। तीसरी और चौथी घटनाएं जो हैं वो इन्हीं के अंदर है। अब हम पांचवी घटना के बारे में बात करेंगे। पहला शमूएल 4:12-18 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो लिखा हुआ है, लड़ाई हो रही है इसराइलियों के साथ, फिलिस्तीनियों की जो लड़ाई हो रही है, और वो जो है वो वाचा का संदूक जो है वो भी उठा लाए हैं लड़ाई के बीच में, और फिलिस्तीनियों ने क्या करा है, इसराइलियों को हरा कर वाचा का संदूक जो है वो छीन लिया। अब जो एली महायाजक था वो न्यूज देने वाला जो उसको समाचार लाकर देता था वो सुनता था कि क्या समाचार। अब उसने देखा कि वाचा का संदूक जो है युद्ध के मैदान में पहुंच चुका है, तो वो चिंतित होने लगा। उसने समाचार सुना कि तेरे दोनों बेटे मारे गए हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु जैसे ही उसने सुना कि परमेश्वर की वाचा का संदूक छीन लिया गया है, वो जो था वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और वहीं से वो गिर पड़ा और सीढ़ियों पे गिर पड़ा। वो उसका बहुत भारी भरकम था और उसके गर्दन की हड्डी टूट गई और वो उसी समय मर गया। ये घटना घटी किससे, सिर्फ ये सुनकर कि वाचा का संदूक छिन गया है, और वो दहशत उसके जीवन में आई और वो उसी समय मर गया। और सिर्फ बात यही की नहीं है, अब मैं आपको एक घटना और बताकर खत्म करूंगा। यहां छठी घटना के बारे में है, पहला शमूएल 4:19-22 तक पढ़ेंगे। एली का जो पुत्र था पिनहास, वो युद्ध में तो मर गया था, और क्या कहते हैं उसकी पत्नी जो थी वो जो थी बच्चा को जन्म देने के उसमें थी, और बच्चे जन्म देने के उसमें थी, परंतु उसने जब ये सुना कि उसका ससुर मर गया उसे असर नहीं पड़ा, उसका पति मर गया उसको ये असर नहीं पड़ा। परंतु यहां पर जब आप 21 पद को पढ़ेंगे ना, पहला शमूएल 4:21 पद, कि परमेश्वर के वाचक के संदूक के छिन जाने के कारण उसको जच्चा का सा ऐसा दर्द हुआ कि उसने मरते मरते एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम इकाबोद रखा। इकाबोद का मतलब होता महिमा जाती रही, यानी इसराइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई। देखिए उसका पति मर गया,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका ससुर यानी एली महायाजक मर गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु जैसे ही उसने ये सुना कि वो परमेश्वर की वाचा का संदूक छिन गया, उसके अंदर ऐसी पीड़ा उठी, इतना दर्द उठा वो बच्चे का, और वो बच्चे को जन्म देते देते जो थी वो मर गई। मगर जन्म देने से पहले उसने उस बच्चे का नाम क्या रखा, जो मैंने आपको बताया है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, ईकाबोध रखा। ईकाबोध का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा जो है वो उड़ गई। अब उसने देखा कि परमेश्वर की महिमा तो उड़ गई क्योंकि संदूक छिन चुका है। देखिए संदूक का महत्व देखा आपने कितना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उज्जिया ने हाथ लगाया वो मर गया, संदूक छीना गया और एलिया महायाजक मर गया, उसकी जो बहू थी वो मर गई, उसके दोनों बेटे मर गए, इसराइली लोग जो थे वो हार गए, फिर जिन्होंने संदूक छीना वो क्यों नहीं मरे? वो इसलिए नहीं मरे क्योंकि परमेश्वर इसराइलियों से नाराज था, क्योंकि वो उसके संदूक के महत्व को समझ नहीं रहे थे, संदूक की बातों के महत्व को नहीं समझ रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने छिन जाने दिया। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे दाऊद ने उज्जिया के मर जाने को नहीं समझा जब उसने वाचा के संदूक पे हाथ लगाया, और परमेश्वर ने जब उनको आशीष दी तब दाऊद जो है इस बात को समझा। देखिए संदूक का छिन जाना जो है, परमेश्वर ने उसे छिन जाने दिया, परमेश्वर ने अपनी महिमा छिन जाने का मतलब क्या है, जब आपने देखा कि जो पिनहास की जो पत्नी थी उसने अपने पुत्र का नाम मरते मरते क्या रखा, ईकाबोध। ईकाबोध का मतलब कि परमेश्वर की महिमा उड़ गई, इसलिए परमेश्वर ने छिन जाने दिया कि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था अब तुम्हारे बीच में मेरी महिमा नहीं है, अब मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित नहीं हूं, अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं रह सकता। इसलिए जिन्होंने छीना उनको परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि इनको करा, क्योंकि जिसको देखे हुकुम किसको मिले, हुकुम इसराइलियों को मिले, हुकुम हमें मिले, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं सबको दी हैं, और इसलिए 10 हुकुम जो उसने अपनी उंगली से लिखकर दिए उनके महत्व को हमें समझना है। दूसरे क्यों समझेंगे जब दूसरे है ही नहीं, उन चीज को मानते नहीं है, क्यों समझेंगे? इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया और दंडित इसराइलियों को किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको नहीं मारा है। देखिए संदूक का महत्व देखा आपने कितना है, हर एक के जीवन पे पहले कितना असर करता था, आज जो है इस वाचा के संदूक का यानी 10 आज्ञाओं का महत्व लोगों के जीवन में रहा नहीं। आज सही में परमेश्वर की महिमा इसलिए तो कहीं नहीं दिखाई देती है क्योंकि वो वाचा का संदूक है नहीं, वो सोचते वो खत्म हो गया है, वो तो सारी बातें खत्म हो गई। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे देखेंगे, इस संदेश में बने रहिएगा, क्योंकि इसी वाचक के संदूक में जो 10 आज्ञा हैं जिसको परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा, परमेश्वर के दिन के बारे में भी है। इसलिए मैं आपको वहां पर लेकर आ रहा हूं कि आप समझिए कि परमेश्वर की इन 10 आज्ञाओं का महत्व कितना है और उस दिन का महत्व कितना है, ताकि प्रभु की आशीष आप प्राप्त करें कि प्रभु की महिमा आपके आपके परिवार में, आपके चर्च में, और आप जहां रहते हैं वहां पर प्रभु की महिमा हमेशा आपके साथ रहे, दिखाई दे और लोग जाने और कह सके इस भाई के जीवन में, इस भाई के परिवार में, इस भाई ये जहां चर्च जाता है वहां पर परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है, क्योंकि इसने परमेश्वर की उस वाचा के संदूक के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में इस प्रथम स्थान दिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष।